आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम बच्चों अपना लेसन नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी, जिसमें हमने ये भी देखा था कि ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ईस्ट्रस साइकिल शो करते हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करते हैं। उसके अलावा हमने ब्रीडर्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पूरा साल ब्रीड कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में करते हैं, और भी हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी जो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता कैसे है, मतलब उसका प्रोसेस क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा कुछ इवेंट्स में होता है। इवेंट्स मतलब आप ये कह सकते हो कि इसका जो प्रोसेस है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, 3 तरह के इवेंट्स आते हैं। यहाँ पे प्री का मतलब होता है पहले, तो मतलब एक इवेंट की कैटेगरी में तो हमने उनको रखा है जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जहां पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाए, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि उनका जब फ्यूजन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा। तो इन सब इवेंट्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन ले लेते हैं। हमने ये बात की थी कि रिप्रोडक्शन के लिए काबिल बनने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है उनको मैच्योरिटी तक पहुंचना पड़ता है। तो एक बार जब वो अपनी मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं तो उन सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि ये प्रोसेसेस और इवेंट्स लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होते हैं। ये हो सकता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, लेकिन इवेंट्स लगभग सेम रहते हैं, और इनमें जो सीक्वेंस चलती है वो भी रेगुलर है। मतलब कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई इवेंट अगर एक में पहले हो रहा है तो दूसरे में बाद में होगा। नो, जो इवेंट्स हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही चलते हैं। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से एम्ब्रियो में चेंज होने का जो प्रोसेस है, मीन्स एम्ब्रियोजेनेसिस है, फिर वो होगा। तो इनको हमने 3 स्टेज में बांट दिया। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं। अब फर्टिलाइजेशन हमें पता है कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को बोला जाता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि गैमेट्स प्रोड्यूस कैसे हुए हैं उसके बारे में जानना, और गैमेट्स प्रोड्यूस होने के बाद वो गैमेट्स एक मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में कैसे गए। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है उसके अंदर हमने 2 स्टेप्स मान लिए। पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस बच्चों जहां पर भी शब्द आता है वहां पर आपने ये मान के चलना है, जेनेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का निर्माण होना, यानी कि पैदा होना, जनरेट होना। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब जहां पे गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट ट्रांसफर का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से गैमेट्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी तक ट्रांसफर करना। तो पहले हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। वैसे तो ये गैमेटोजेनेसिस आपका 3rd लेसन में बहुत ज्यादा डिटेल में आने वाला है, बट अभी हम थोड़ा सा उसका आउटलाइन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल, की सिंपल सी परिभाषा है कि मेल और फीमेल गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि गैमेट्स होते क्या है, जिसको आप युग्मक भी बोलते थे। गैमेट्स आर हैप्लोइड सेल्स। हैप्लोइड सेल्स का मतलब है कि इनमें जो क्रोमोजोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, मतलब एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। क्यों होते हैं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, ये चीज हम ऑलरेडी मियोसिस में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहां पर मेल और फीमेल जब दोनों ही हैप्लोइड हो जाएंगे तो जब इनका फ्यूजन होगा तो ऑटोमेटिकली जाइगोट में जाके वो डिप्लॉइड हो जाते हैं। तो कुछ एल्गी में ऐसा भी देखा गया है कि जो दोनों गैमेट्स हैं, मतलब कि मेल हो या चाहे फीमेल, दोनों गैमेट्स इतने ज्यादा सिमिलर होते हैं कि आप उनको देखकर ये पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो जब इस तरह के गैमेट्स पाए जाते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर हो, जिनको देखकर उनमें मेल और फीमेल में करेक्टराइज करना डिफिकल्ट हो जाए, उन्हें होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स बोला जाता है। लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये जो दोनों गैमेट्स हैं ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, मीन्स आप इनको देखकर ही आसानी से इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो इसलिए इनको हम हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। और हेट्रोगैमेट्स के केस में जो मेल गैमेट है उसको जनरली एंथ्रोजॉइड या स्पर्म बोल दिया जाता है, और जो फीमेल गैमेट है उसे एग या ओवम बोल दिया जाता है।
तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कि ये जो फिगर है 1.5, यहाँ पर आपको तीन पिक्चर्स दिखाई गई हैं। पहले वाली पिक्चर में आप देखोगे कि एक मेल और फीमेल गैमेट है, लेकिन इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये डिटो सेम है। तो इस तरह के गैमेट्स को बोला जाता है आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स, और ये जनरली एल्गी में पाए जाते हैं जैसे कि क्लैडोफोरा। उसके बाद जो दूसरी पिक्चर है ये भी एक एल्गी की है, लेकिन इस एल्गी में फ्यूकस में आप ये देख सकते हो कि इसमें जो फीमेल पार्ट है और जो मेल पार्ट है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। और लास्ट में जो पिक्चर है दैट इज ऑफ ह्यूमंस, जिसको होम्योसेपियंस भी बोलते हैं, दैट इज अगेन अ हर्टोगेमिट। तो यहाँ पर भी जो ओवम है वो राउंड है और बड़े साइज का, जो स्पर्म है वो पतले हैं और लॉन्ग है। तो आप आसानी से देखने से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आती है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ये चीज भी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, आपने वहां पे पढ़ा था कि या तो कोई इंडिविजुअल यूनिसेक्सुअल होता है या फिर कोई इंडिविजुअल बाइसेक्सुअल होता है, जिसको आप एकलिंगी या द्विलिंगी भी बोलते थे। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब है, यूनि का मतलब वन। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेक्स होगा, मतलब या तो वो मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकता है, तो उसको हम बोलते थे यूनिसेक्सुअल। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों होंगे तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुकी हो। अब फर्क क्या है, अब हमने इन यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल को कुछ और भी नाम दे दिए हैं। तो बहुत सारे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को होमोथैलिक भी बोल सकते हैं या मोनोइशियस भी बोल सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इसका ऑपोजिट कर दो तो जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है उन्हें हेट्रोथैलिक भी बोला जा सकता है और डायोशियस भी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मीनिंग वही है, डेफिनेशन भी सेम है, चाहे आपसे होमोथैलिक पूछा जाए, चाहे आपसे मोनोइशियस पूछा जाए या चाहे आपसे बाइसेक्सुअल पूछा जाए, तीनों का मीनिंग सेम है। मीन्स वेन बोथ द मेल एंड फीमेल सेक्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। और इसी तरह से हिट्रोथैलिक पूछा जाए या डायोशियस पूछा जाए यूनिसेक्सुअल, वहां पर भी वही है, वेन वन ऑर्गेनिज्म कंटेन्स ओनली वन सेक्स आइदर मेल और फीमेल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही शब्द के हमने एक दो नाम और दे दिए हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स होते हैं, उसमें भी अगर कोई प्लांट में फ्लावर जो है वो मेल है और यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक ही तरह का सेक्स है और वो सेक्स अगर मेल है, तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे स्टेमिनेट, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मेल पार्ट है उनको हम स्टेमन बोलते थे। इसी तरह से फीमेल पार्ट को पिस्टिल बोलते थे, तो जिस फ्लावर के अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट होगा उसको हम पिस्टिलेट भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर दोनों है, मेल फ्लावर्स भी है फीमेल फ्लावर्स भी है सेम इंडिविजुअल में, तो आप उसको मोनोशियस या डायोशियस दोनों बोल सकते हो। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके एक ही पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों हैं या अलग अलग पौधों में है। अगर तो मान लो एक ही पौधा है, मतलब प्लांट आपका सेम है, लेकिन उसी प्लांट के अंदर कुछ फूल मेल है और कुछ फूल फीमेल है, तो हम उसको मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल ही मानेंगे। लेकिन अगर मान लो उसी प्लांट में सिर्फ एक ही तरह के पौधे हैं, या तो मेल या फीमेल, तो आप उसको डायोशियस बोलेंगे। तो मोनोइशियस प्लांट्स के एग्जाम्पल है कुकुरबीट है, कोकोनट है, और डायोशियस प्लांट्स के एग्जाम्पल है पपाया एंड डेट पाम। उसके अलावा बच्चों आता है अब एनिमल्स की बात। अभी तक आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, आपने 10th क्लास में भी देखा था, आपने हिबिस्कस का पौधा देखा था जिसको आप गुड़हल बोलते थे, उसको भी आपने देखा था कि वो बाइसेक्सुअल है। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की। क्या एनिमल्स में भी सारे एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं? नो, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं, मतलब उनमें मेल ऑर्गन भी हो सकता है फीमेल ऑर्गन भी हो सकता है। तो जैसे मैंने अभी अपनी लास्ट लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो अर्थवर्म है, मतलब जो एनिलिडा है उसमें जो अर्थवर्म आता है उसमें आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देख सकते हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देख सकते हो, दैट मीन्स वो बाइसेक्सुअल है। इसी तरह से स्पॉन्ज है, उनमें भी सेम ऐसे होता है, टेपवर्म है एंड लीच, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि बाइसेक्सुअल है जिसमें दोनों हैं। और जब किसी एनिमल में मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट तो उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट भी बोल देते हैं। मतलब वो सारी नेमिंग तो चलेगी जो भी आपने ऊपर पढ़ी है कि बाइसेक्सुअल को होमोथैलिक भी बोलते हैं, मोनिशियस भी बोलते हैं। उसके अलावा एनिमल्स में हमने इनको एक और नाम दे दिया एंड दैट इज हर्माफ्रोडाइट, एंड इट इज अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और कॉकरोच है, कॉकरोच में आपने देखा होगा मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, तो दैट इज यूनिसेक्सुअल। अब है कि जब गैमेट्स बनते हैं उस समय सेल डिवीजन होती है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान होगा हमने 11th में माइटोसिस मियोसिस किया था, तो जब भी गैमेट्स बनेंगे वो मियोसिस से,
लेकिन उसके बाद उनके नंबर को बढ़ाने के लिए उसमें माइटोसिस भी हो सकती है। तो जितने भी हिट्रोगेमेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पीशीज होती हैं, उनमें दो तरह के गेमिट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल गेमिट्स। गेमिट्स हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, क्योंकि जब वो दूसरे अपोजिट वाले के साथ फ्यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें वो डिप्लॉयड हो जाएंगे। अब जब एक बार गेमिट बनेगा तो उसके बाद उसकी माइटोटिक डिवीजन होगी, मतलब एक बार जब वो पेरेंट हैप्लॉयड हो गया, मतलब एक बार जो सेल्स हैं जिनसे गेमिट्स बनने हैं वो हैप्लॉयड हो गए, उसके बाद वो माइटोटिक डिवीजन करेंगे ताकि उसी गेमिट की बहुत सारी संख्या वो प्रोड्यूस कर सके। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स को बिलोंग करते हैं, उनमें जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉयड होती है, मतलब कि जो मेन पेरेंट है वो हैप्लॉयड है। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स और एनिमल्स हैं जिनमें ह्यूमन बींग्स, उनमें जो पेरेंट है वो डिप्लॉयड है। मतलब हम लोगों में क्या है, जो पेरेंट्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, लेकिन जो गैमिट्स बनते हैं वो हैप्लॉयड है। लेकिन मोनेरा, फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट्स हैं, मतलब जो मेन पेरेंट है, वही हैप्लॉयड है। तो मियोसिस जब होती है, मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन बोलते थे। मियोसिस का प्रोसेस जनरली हम लोगों में होता है, एनिमल्स में होगा या हम लोगों में होगा, क्योंकि मियोसिस के द्वारा ही जो डिप्लॉयड बॉडी है वो हैप्लॉयड गैमिट्स प्रोड्यूस कर पाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हो नेक्स्ट पिक्चर पे, आपको ऊपर वाले पेज पे, तो बेटा पेज नंबर 12 पे आपको दिखा रखा है कि ऑर्गेनिजम्स में कितनी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो आप ए पिक्चर पर डायग्राम देख सकते हो, दैट इज अ अर्थवर्म। अर्थवर्म में आप देखोगे ये तो उसकी आउटर बॉडी है, और अगर हम इसको रिवर्ट करके देखें तो इसमें टेस्टिस भी है, ओवरी भी है, मतलब दोनों सेक्स एक में प्रेजेंट है, तो दैट इज वाई इट इज ए बाइसेक्सुअल। उसके बाद जो यहाँ पे बच्चों सेकेंड पिक्चर दी गई है, दैट इज ऑफ ए कॉकरोच। कॉकरोच में ये मेल कॉकरोच है और इसके नीचे वाला फीमेल कॉकरोच है। इनमें मॉर्फोलॉजिकल भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो फीमेल है वो कंपेरेटिवली मेल से थोड़ी लॉन्ग होती है। और अगर आप इनको रिवर्ट करके इनकी भी देखो तो मेल वाले में टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, फीमेल में ओवरी, तो इट मीन्स ये यूनिसेक्सुअल है। उसके बाद जो तीसरी पिक्चर है, दैट इज ऑफ ए कारा। तो कारा जो है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ए थैलोफाइट, और कारा जो है मोनोइशियस प्लांट है, मोनोइशियस मतलब वो भी बाइसेक्सुअल है। इसमें आप फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम और मेल सेक्स ऑर्गन भी देख सकते हो। उसके बाद जो डी है मर्केंशिया, दैट इज ए डायोशियस प्लांट, मतलब उसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होगा, जैसे आप देख सकते हो इसमें फीमेल थैलस अलग है, मेल थैलस अलग है। और लास्ट जो पिक्चर है वो स्वीट पोटैटो की है, इसमें आप देख सकते हो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि एक कैटेगरी के सारे ही ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल हो, आपको अपने आसपास हर तरह की वैरायटी देखने को मिल सकती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है इन मियोसाइट एंड गेमीट। मियोसाइट होता है वो सेल्स जो डिवीजन करके गेमीट्स बनाते हैं। तो जनरली क्या होगा, जो मियोसाइट्स हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर 2n होगा, 2n का मतलब होता है डबल डिप्लॉयड, और गेमीट में वो n होगा। तो जितना नंबर यहां लिखा है गेमीट में उसका हाफ हो जाएगा, और अगर यहाँ पे लिखा है तो आप इसको यहाँ हाफ कर लो, और अगर यहाँ की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ आप उसको डबल कर लो। तो इस टेबल को आप इजीली फिल कर सकते हो। जैसे ह्यूमंस में 46 मियोसाइट में है तो गेमीट में 23 हो जाएंगे। हाउस फ्लाई में मियोसाइट में 12 है तो इधर 6 हो जाएगा। रैट में इधर 21 है तो इधर 42 हो जाएंगे। मतलब आपने ये ध्यान रखना है कि मियोसाइट में जो नंबर है वो डबल होना चाहिए और गेमीट में जो नंबर है वो हाफ होना चाहिए। अब ये मियोसाइट्स एक्चुअल में होते क्या हैं? जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें खास तौर से कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें मियोसाइट या गेमीट मदर सेल्स बोलते हैं, मतलब वो सेल्स जो मियोसिस करके गेमीट्स बनाते हैं। तो मतलब जब मियोसिस पूरी हो जाती है तो वो एक गेमीट को सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम हैंड ओवर करते हैं, इसलिए उनको नाम दे दिया मियोसाइट, क्योंकि उनमें मियोसिस होती है। तो इसलिए मियोसाइट और गेमीट के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हमेशा डबल से अलग होगा, मतलब मियोसाइट्स में डबल है तो गेमीट्स वाले में उसका आधा हो जाएगा। तो ये तो था बच्चों पहला प्रोसेस की गेमीटोजेनेसिस की, गेमीट्स बनते कैसे हैं। इसके बाद सेकंड चीज आती है गेमीट ट्रांसफर की। अब गेमीट्स बन गए, अब उन गेमीट्स को ट्रांसफर भी तो करना है, तभी तो वो दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो ज्यादातर केसेस में तो ऐसा देखा जाता है कि जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, मतलब वो हिलता डुलता है, और फीमेल गैमेट अपनी जगह पे स्टेशनरी रहती है। कुछ केसेस में एक्सेप्शंस है, जैसे फंजाई और एल्गी, वहां पे दोनों ही गैमेट्स मोटाइल होते हैं। अब
चाहे दोनों मोटाइल हो चाहे एक मोटाइल हो, हमेशा मेल गैमेट्स को चलने के लिए, मूव करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होगी। वो मीडियम कोई फ्लूइड भी हो सकता है, वो पानी भी हो सकता है। तो अगर तो हम सिंपल प्लांट्स की बात करें, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टाइडोफाइट्स है, वहां पे तो वाटर के थ्रू जो मेल गैमेट है वो आसानी से फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि जितने मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उतने मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंच नहीं पाते। तो इसलिए ही नेचुरली आप ये मान सकते हो कि मेल गैमेट्स हमेशा फीमेल के कंपैरिजन में 1000 गुना ज्यादा संख्या में रिलीज होंगे, क्योंकि अगर 1000 गुना रिलीज होंगे तब जाके ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उसमें से कुछ 100 जाके मेल फीमेल गैमेट तक पहुंच सकते हैं। अब जो सीड प्लांट्स होते हैं, मतलब वो प्लांट जिनमें सीड्स होती हैं, उनमें पोलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमेट्स के कैरियर हैं वो उसको लेकर जाएंगे मेल गैमेट्स को, और उनके ओव्यूल के अंदर एग होगा और उसके साथ जाके ज्वाइन कर देंगे। तो एंथर्स में जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करने से पहले उन्हें स्टिग्मा पे पहुंचना होगा। जैसे कि आपने 10th क्लास में भी एक डायग्राम किया होगा कि अगर हम फीमेल पार्ट को बड़ा करके देखें कार्पेल पिस्टिल को, तो यहाँ पे दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। तो सबसे पहले जो पोलन ग्रेन है वो इसके ऊपर आकर डिपॉजिट होंगे, उसके बाद वो एक पोलन ट्यूब बनाएंगे और पोलन ट्यूब से होते हुए मेल गैमेट जो है जाएंगे और उसमें जो उसका एग है उसके साथ जाके फ्यूज करेंगे। तो मतलब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मेल गैमेट्स को कैरी करते हैं और ओव्यूल के अंदर एग होता है। तो एंथर में जो ये पोलन ग्रेन्स बनते हैं ये पहले स्टिग्मा पे जाएंगे, उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब अगर तो कोई प्लांट बाइसेक्सुअल है तो उसमें तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब उसी प्लांट का मेल उसी प्लांट के फीमेल के साथ यूज कर सकता है, जैसे कि पीज में होता है कि मतलब उसी प्लांट के पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट के स्टिग्मा पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये प्रोसेस काफी ज्यादा ईजी है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से पास पास है, तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स गिरेंगे इमीडिएटली वो जाके स्टिग्मा पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स की बात करें, मतलब ऐसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग पौधों में है, तो वहां पर पोलिनेशन होनी जरूरी है, जिसको आप परागण क्रिया भी बोलते थे। पोलिनेशन होगा तभी जाकर जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा तक पहुंच पाएंगे। अब पोलिनेशन हवा के द्वारा भी हो सकता है, पानी के द्वारा भी हो सकता है, इंसेक्ट्स के द्वारा भी हो सकता है, बर्ड्स के द्वारा भी हो सकता है, एनिमल्स के द्वारा भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, जो ये पोलन ग्रेन है ये पहले स्टिग्मा पे जाएगा और वहां पे जाके जर्मिनेट करेगा, मतलब बढ़ेगा, और उसमें से एक पोलन ट्यूब निकलेगी जिसको आप पराग नली बोलते थे, और उसके द्वारा जो मेल गैमेट्स हैं वो ओव्यूल में जाकर पहुंच जाएंगे और वहां जाके वो मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगा। तो जो डायोशियस एनिमल्स होते हैं, मतलब जो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स थे, उनमें मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग इंडिविजुअल में बनते हैं। तो वहां पर गैमेट ट्रांसफर करने के लिए एक अलग मैकेनिज्म होता है। वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि मेल और फीमेल एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट में आएंगे, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सकती है। अब फर्टिलाइजेशन आपको पता ही है बच्चों, जिसको आप हिंदी में निषेचन पढ़ते आए हो। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको आप सिनगैमी भी बोल सकते हो। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट डिप्लॉयड होगा क्योंकि जो मेल था वो भी हैप्लॉयड था और जो फीमेल थी वो भी हैप्लॉयड थी, तो इसलिए उनका जो जाइगोट बना दैट विल बी अ डिप्लॉयड। तो आप इसको सिनगैमी बोलो या फर्टिलाइजेशन बोलो, बोथ मीनिंग्स आर द सेम। अब क्या होगा अगर सिनगैमी ना हो, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे रोटीफर्स हैं, हनीबीज है, या लिजर्ड्स है, या बर्ड्स हैं, उनमें फीमेल गैमेट जो है वो मेल गैमेट के साथ जुड़ती ही नहीं है। फीमेल गैमेट में अपने आप ही ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं कि वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया ऑर्गेनिज्म बना सकती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फीमेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि मतलब वो मेल गैमेट के साथ जुड़ी नहीं लेकिन उसने अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर लिए कि उसने डायरेक्टली ही एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दिया, तो उसे हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब ये सिनगैमी होती क्या, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि टू टाइप्स की फर्टिलाइजेशन होती है, वन इज एक्सटर्नल एंड अदर इज इंटरनल। नाम से पता लग रहा है एक्सटर्नल का मतलब बाहर। अगर फर्टिलाइजेशन किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर होती है, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का मतलब मदर है, कि
कि अगर वो मदर की बॉडी के बाहर हो रही है, मतलब लेडी की बॉडी के बाहर होती है, जैसे पानी में हो जाए, जैसे एम्फीबियंस में, एल्गी फिशेज में देखा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है जनरली उसमें क्या होता है, दोनों ही मेल और फीमेल अपने गैमेट्स को अपने आसपास के मीडियम में छोड़ देते हैं, मतलब अगर वो पानी में रहते हैं तो वहां छोड़ देंगे और वहां पे वो नेचुरली ही जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो फ्यूज करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जो फिशीज और फ्रॉग्स हैं उनके जो बेबीज हैं हमेशा पानी में ही प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन इस मेथड के डिसएडवांटेज भी है, अब क्योंकि उन्होंने अपने गैमेट्स को पानी में छोड़ दिया और उसके बाद कोई देखरेख नहीं की, तो अगर ऑफस्प्रिंग उनका बन भी जाएगा, मतलब बच्चे बन भी जाएंगे, तो उन बच्चों को शिकारी से, मतलब प्रीडेटर से बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। मतलब जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक उनको खतरा रहता है। इसी वजह से उनके जो गैमेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हजारों की संख्या में बनते हैं, क्योंकि हजार होंगे तब जाके उनमें से कुछ 100 सर्वाइव करेंगे। लेकिन अगर हम ज्यादातर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मतलब जमीन पर रहने वाले इंसानों की बात करें, या जानवरों की, शेर है, गायें, हाथी, इनकी बात करें, या फंजाई वगैरह की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो इन सब में जो सिनगैमी है वो मदर की बॉडी के अंदर होती है, इसलिए उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। इनमें क्या होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर ही एग बनेगा, वहीं पर मेल गैमेट आएगा, उसके साथ फ्यूज करेगा, और इनमें हमेशा मेल गैमेट ही मोटाइल होगा। मतलब जो फीमेल है वो अपनी जगह नहीं छोड़ती, वो स्टेशनरी रहती है, मेल गैमेट जो है वो मूवमेंट करेगा, इसलिए उसको एग के पास आना पड़ेगा और उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। और यहां पर भी स्पर्म्स हमेशा एग की कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, क्योंकि इतने सारे स्पर्म्स आएंगे तब जाकर उनमें से कुछ स्पर्म्स ऐसे हैं जो फ्यूज होंगे, बाकी सारे वहां पे इनएक्टिवेट भी हो सकते हैं। और इनमें भी जो प्लांट्स, सीड प्लांट्स होते हैं, मतलब जिन प्लांट्स में सीड होती है, उनमें अगर मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, मूवमेंट नहीं कर सकता, तो उसको मूवमेंट करने में पोलन ट्यूब जो है वो हेल्प करता है। इसके बाद बच्चों जो तीसरा इवेंट हमारे पास इसमें आता है, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, फ्यूजन हो जाता है, उसके बाद कौन कौन से इवेंट्स हैं जो बचते हैं। अब आपको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन होगी तो इसका मतलब वहां पे जाइगोट बनेगा, तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो जाइगोट बनता है वो हमेशा डिप्लॉयड बनता है। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो जाइगोट एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा, अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो जाइगोट जो है वो मदर की बॉडी के अंदर बनेगा। अब उस जाइगोट की डेवलपमेंट कैसी होती है वो डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गेनिज्म का जाइगोट है और वो किस तरह के वातावरण में रह रहे हैं। अगर वो जाइगोट किसी फंजाई या एल्गी का है तो उसके आसपास एक बहुत ही मोटी सी वॉल बन जाएगी जो उसको डेसिकेशन, मतलब सूखने से और किसी भी प्रकार के डैमेज से बचाएगी, और जर्मिनेट होने से पहले, मतलब अंकुरित होने से पहले वो थोड़े समय के लिए रेस्ट में चला जाएगा। मतलब उस स्टेज में वो अपने आप को थोड़े दिन तक रोक लेगा, यानी कि आप कह सकते हो रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। जीन ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, मतलब जिनमें पेरेंट्स हैप्लॉयड होते हैं, उनमें क्या होगा, जो जाइगोट है वो मियोसिस के द्वारा डिवाइड करके पहले हैप्लॉयड स्पोर्स बनाएगा, मतलब जाइगोट से स्पोर्स बनेंगे, फिर वो स्पोर्स आगे हैप्लॉयड इंडिविजुअल्स बनाएंगे। तो इट मीन्स जाइगोट ही वो चीज है जो ये डिसाइड करती है कि जो स्पीशीज है वो लगातार चलती रहे। और हम लोग भी, अगर हम अपनी भी बात करें, तो हम भी पहले एक जाइगोट थे, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म पहले एक जाइगोट रहता है। इसके बाद सेकंड चीज आती है बट एम्ब्रायोजेनेसिस। जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या फर्क होता है, जाइगोट तो होता है जो बिल्कुल मेल और फीमेल गैमेट के इमीडिएटली फ्यूजन के बाद बनता है। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है, आप ये कह सकते हो कि जाइगोट सिर्फ एक सेल है, उसके अंदर कोई अंग या कुछ और चीजें नहीं बनी, लेकिन जब उस जाइगोट की बार बार सेल डिवीजन होती रहती है और जो सेल्स हैं वो अपना अलग अलग फंक्शन एक्वायर करते रहते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स या टिश्यूज बना लेते हैं, तो वो एक एम्ब्रियो में बदल जाता है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने की जो ये क्रिया है, जो ये प्रोसेस है, दैट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट में सेल डिवीजन होगी, और सेल डिवीजन यहाँ पे माइटोसिस होगी, मतलब हर बार जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद जो सेल्स बनेंगे उनकी डिफ्रेंशिएशन होगी, मतलब अपने फंक्शन के अकॉर्डिंगली वो सेपरेट होते जाएंगे। तो सेल डिवीजन की वजह से एक तो सेल्स का नंबर भी बढ़ेगा और साथ ही साथ सेल्स की ग्रुप बनते जाएंगे, और हर एक ग्रुप जो है पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन बनाएगा और उससे एक ऑर्गेनिज्म जनरेट होगा, तो उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब यहां पर भी बच्चों जितने भी एनिमल्स हैं,
हमने उनको दो कैटेगरीज में बांट दिया है, या तो वो ओवी पैरस होते हैं या फिर वो वीवी पैरस होते हैं। तो यहाँ पे ओवी पैरस का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, मतलब कि जो डायरेक्ट बच्चे नहीं बनाएंगे वो पहले अंडे देंगे, फिर अंडे से बच्चा बनेगा। और एक होते हैं वीवी पैरस जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म दे सकते हैं। अब इसमें भी यही चीज है कि जो जाइगोट है वो कहाँ बना था, फीमेल की बॉडी के अंदर या बाहर, उस पर डिपेंड करता है। तो जो ओवी पैरस एनिमल्स होते हैं जिसमें कि रेप्टाइल्स जैसे कि छिपकली, मगरमच्छ या बर्ड्स आते हैं, उनमें क्या होगा, जब उनकी एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग के बाहर एक बहुत ही सख्त कैल्केरियस शेल, कैल्शियम की बनी हुई शेल है जो उसको कवर कर लेती है, और वो उसके बाद उसको किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ देते हैं। मतलब वो अपने अंडे किसी ऐसी जगह पे दे देते हैं जहां पर उनको लगता है कि वो अंडे सेफ रहने वाले हैं। और कुछ समय के बाद इंक्यूबेशन होगा, मतलब उनको अपना प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, तो उन अंडों में से जो बच्चे हैं वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो वीवी पैरस एनिमल्स होते हैं जिनमें हम लोग भी आते हैं, उनमें क्या होगा कि जब वो जाइगोट एक पूरा बच्चा बन चुका होगा तभी वो अपनी मदर की बॉडी से बाहर आएगा। मतलब कि एक ग्रोथ के लेवल पे जब वो पहुंच चुका होगा तभी वो अपनी फीमेल बॉडी से बाहर आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। और क्योंकि वीवी पैरस ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों की ज्यादा अच्छे से देखभाल करते हैं, तो उनमें जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है, मतलब जिंदा रहने के जो चांसेस हैं, वो ज्यादा होती हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है बच्चों, जो आपके रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं, ये एक बार अंडे देते हैं और उसके बाद ये खुद उड़ जाते हैं, इधर चले जाते हैं, तो इनके अंडे सेफ नहीं है, कोई भी आकर इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन जो वीवी पैरस एनिमल्स हैं वो जब तक पूरी तरह से बन नहीं जाते तब तक वो अपनी मदर की बॉडी के अंदर सुरक्षित रहते हैं, और इवन उसके बाद भी जो उनकी मदर है वो उनकी केयर करती है, उनको फीड कराती है, तो इस वजह से वो ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होती हैं उनमें जो जाइगोट है वो व्यूल के अंदर ही बना था, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनसे होते हुए जो मेल गैमेट है वो व्यूल में आके एग के साथ जुड़ा था। तो फर्टिलाइजेशन उनके बाद जो सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन, मतलब जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो सारे विदर, मतलब गिर जाएंगे, हट जाएंगे, और जो पिस्टिल है मतलब जो फीमेल पार्ट है वो प्लांट के साथ जुड़ा रहेगा। अब जो जाइगोट बना था, मतलब मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, वो तो एम्ब्रियो बनाएगा। जो ओव्यूल्स थी वो ओव्यूल्स अब सीड में बदल जाएंगी, जो ओवरी थी वो अब फ्रूट बन जाएगी, और उसके बाहर एक परत बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, मतलब जो उसको बचाती है। और डिस्पर्सल होने के बाद, मतलब गिरने के बाद, जहां जहां भी ये सीड्स गिरेंगी वहां से फिर एक नया प्लांट जनरेट हो सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कुछ तरह के फ्रूट्स दिखा रखे हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड्स यहाँ पर हैं और इस तरह से, जैसे संतरे वगैरह में आपने देखा होगा, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सीड्स इस तरफ होती हैं और यहाँ पे पेरिकार्प है, और कुछ ऐसे में सीड्स ऐसे, मतलब अलग अलग प्लांट्स में जो सीड्स हैं उनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो पेरिकार्प है वो हमेशा आउटर सर्फेस में होगी, क्योंकि उसका काम होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन कम्प्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो।